सुंदर बात कही है। सत्संग सुनने की ना तो कोई उम्र होती है और ना कोई बहाना होता है। सत्संग के लिए तो हर पल भगवान ने हमें दिया है। एक एक क्षण का हिसाब वो रखता है, हम नहीं रखते हैं। एक एक क्षण जो हम व्यर्थ कर रहे हैं, एक एक मिनट, एक एक सेकंड जो हमारा व्यर्थ की बातों में बीत रहा है, उसका हिसाब हम नहीं रखते। उसका हिसाब कौन रखता है? जिसने हमें बनाया है। क्योंकि बनाने वाले ने इंसान को बड़ी फुर्सत में बनाया है, और बनाने वाले ने इस शरीर में जब प्राण दिए तो इस शरीर में दो आंखें दी, दो कान दिए, एक सुंदर सी जिह्वा दी जो बहुत मीठा बोलती है, और जिसका वजन केवल 50 ग्राम है, जिसका नाम हमने रखा है लीला बेन। क्या नाम रखा है इस जिह्वा का? लीला बेन, जो बहुत होशियार है। अब कोई लीला होगी तो बुरा मत मानिएगा। केवल 50 ग्राम इस जिह्वा का वजन है, लेकिन देखिए ये जिह्वा जो जीवन जीती है, जो जीवन जीने की प्रेरणा ये जिह्वा सारे संसार को देती है, ये हमारा शरीर हमें जो सिखाता है वो हम कभी नहीं सीखते। हम केवल बाहर के लोगों को देखना शुरू करते हैं कि कौन कैसे सिखा रहा है, कौन कैसे जी रहा है, कौन क्या कर रहा है। अरे ये हमारे शरीर से सीखो, ये हमें बहुत कुछ सिखा रहा है, क्योंकि बनाने वाले ने इसको बहुत फुर्सत से बनाया है, बहुत ध्यान से बनाया है। क्योंकि शरीर संसार की वो संपत्ति है, सारी संपत्ति नष्ट होने के बाद भी शरीर अगर आपका स्वस्थ है, बुद्धि अगर आपकी श्रेष्ठ है, वाणी पर अगर आपका संयम है, तो आप संसार के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। आप संसार के वो व्यक्ति हैं जिसकी जेब में एक ढेला भी नहीं रहा ना, तो भी वो पूरे संसार पर राज कर सकता है। क्योंकि शरीर के एक एक अंग हमारे लिए शिक्षा देने का कार्य करते। तो पहला काम मैं आपको जिह्वा से ही बताती हूँ। तत्व की बात चल रही है, भागवत कथा के मर्म की बात चल रही है, भागवत कथा के परिचय की बात चल रही है, इसलिए पहले अपने शरीर के बारे में ही जान लो, शरीर से ही परिचय की शुरुआत कर लो। ये जिह्वा एक सेकंड के लिए भी अगर बोलना, स्पीड में बोलना अगर बंद कर दे और एकदम से अगर दांतों के बीच स्थिर हो जाए, तो ये दांत क्या करेंगे? ये दांत क्या करेंगे उस जिह्वा के साथ? ये दांत उस जिह्वा को काट लेंगे, जोर से दबा देंगे। और अगर दांतों ने जिह्वा को दबा दिया स्पीड में बोलते हुए, तो जिह्वा क्या हो जाएगी? घायल हो जाएगी, लहूलुहान हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? लेकिन इतने नुकीले दांतों के बीच भी, इतने नुकीले दांतों के साथ भी ये जिह्वा कितनी होशियारी से रहती है। ये जीवन जीने की सबसे बड़ी कला ये लीला बेन हमको सिखा रही है। प्रेम से बोलो राधे। कैसे जीना है? जैसे ये जिह्वा, ये जीव हमारे दांतों के बीच जी रही है ना, नुकीले दांतों से अपने आप की रक्षा कैसे कर रही है, ऐसे संसार में हमें हमारी रक्षा करते हुए हमको जीवन जीना चाहिए। हमेशा मृदु बोलना चाहिए, हमेशा मीठा बोलना चाहिए, हमेशा सरल बोलना चाहिए। क्योंकि जिह्वा एक एक सेकंड में हमें स्वाद का अनुभव कराती है। कड़वा है तो कहेगी कड़वा है, मीठा है तो कहेगी मीठा है, खट्टा है तो कहेगी खट्टा है। हर चीज का ज्ञान आपको ये कराती है। इस प्रकार से जीवन को जीना चाहिए। जीवन जीने की कला सद्गुरु सिखाते हैं, जीवन जीने की कला ग्रंथ सिखाते हैं। आज पूरे संसार को दो ही शक्तियां चला रही हैं, एक है ग्रंथ और दूसरे हैं संत। संत और ग्रंथ, ये दो ही शक्तियां पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। संत जब जीवन में आते हैं, गुरु जब जीवन में आते हैं, तो जीवन सुधर जाता है। बिगड़े से बिगड़ा हुआ जीवन भी, पापी से पापी जीवन भी भगवान के अध्यात्म की ओर मुड़ जाता है। इतनी शक्ति संतों की वाणी में होती है, इतनी शक्ति ग्रंथों के वचनों में होती है। ग्रंथों के अंदर भगवान के द्वारा बताई हुई उस
भाषा में होती है। बोली सद्गुरुदेव भगवान, तो वेद व्यास